नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार, मी विथ माई बुक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने किस्सा रफ कॉपी का सुनाने आया हूँ। एक कॉपी ऐसी होती है जो हर सब्जेक्ट को संभालती है, उसे हम रफ कॉपी कहते हैं। यूं तो रफ कॉपी का मतलब खुरदुरा होता है, पर हमारे लिए कोमल है। उसके पहले पेज पर हमें कोई इंडेक्स नहीं, ना ही कोई शपथ। इस कॉपी का एक पेज तक फाड़ने की नहीं सोचते। कॉपी के पहले पन्ने पर सिर्फ जय माँ सरस्वती, श्री गणेश या एक सुने सुनाए कहावत जैसा लिखते हैं, जैसा पहला पन्ना राम का, बाकी पन्ना काम का। आखिरी पन्ने पर अजीब कलाकृतियां करते हैं, राजा मंत्री, चोर सिपाही या क्रॉसवर्ड या पर्ची वाले क्रिकेट का स्कोर। बहुत सी यादें होती है उस रफ कॉपी पर। अनकहा प्रेम, अनजाना सा गुस्सा, कुछ उदासी, कुछ दर्द, ये सब कोड वर्ड में लिखा होता है, जिसे कोई CIA या कोई हैकर भी उस कोड को हैक करके डिकोड नहीं कर सकता। उस पर अंकित कुछ शब्द, कुछ नाम, कुछ चीजें ऐसे होती है जिसे मिटाना हमारे लिए असंभव होता है। हमारे बैग में कुछ हो या ना हो, वो रफ कॉपी जरूर होती। लेकिन समय इतना बीत गया कि अब कॉपी ही नहीं रखते। रफ कॉपी जीवन से दूर चली गई। मतलब रफ कॉपी मतलब वो खुरदुरे पन्ने वाली रफ कॉपी अब मिलती ही नहीं। आरी में रखी किताबों के बीच इस रफ कॉपी पर नजर पड़ते ही फिर उसे लेकर पन्ने पलटते पढ़ते हुए पुरानी भूली बिसरी यादें तरोताजा हो जाती। जब ये रफ कॉपी नहीं मिलती तो कई कई महीनों तक हिसाब नहीं होता, न ही प्रेम का, न गुस्से का, न यादों का, न गुना भाग हो पाता है। अगर कभी वो रफ कॉपी मिलेगी या आप लोगों को मिले तो बैठिए उसे लेकर, फिर से पुरानी चीजों को खंगालिए, हिसाब कीजिए और आखिरी के पन्नों पर राजा मंत्री चोर सिपाही खेलिए। वो नटराज की पेंसिल, वो चेल पार्क की स्याही, वो महंगा पायलट का पेन और जेल पेन की लिखाई, वो सारी ड्राइंग, वो पहाड़, वो नदियाँ, वो झरने, वो फूल। लिखते लिखते न जाने कब खत्म हुआ स्कूल। अब तो बस साइन करने के लिए उठती है कलम, पर आज ना जाने क्यों नोटबुक का वो आखिरी पन्ना याद आ गया, जैसे उस काट पीट में छिपा कोई राज ही टकरा गया। जीवन में शायद कहीं कुछ कम सा हो गया, पलके भीगी सी है, दिल नम सा हो गया, आज वक्त शायद कुछ थम सा गया। शायद याद आ गया वो बचपन का कुछ अनमोल लम्हे, किससे, क्या आपको याद है वो बचपन और बचपन की वो रफ कॉपी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नई कही अनकही अनोखी यादों के लम्हों के साथ। तब तक आप लोग भी अपनी अपनी रफ कॉपी के पुरानी यादों, अनमोल लम्हों को याद करके उन लम्हों में खो जाइए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कीजिए, तथा ऐसे ही कहानियाँ सुनने एवं अनमोल लम्हों में खोने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना तथा अपने प्रियजनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।